डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। हम लोग मैट्रिसेस टॉपिक का एक छोटा सा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। ये यूजफुल भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमें प्रूव करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीनिंग मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इसको हमें P प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना है, राइट? और हम ये कह रहे हैं कि जो P है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये Q जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है इसको हम लोग P प्लस क्यू टू मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वन ऑफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड अनदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। आइए चेक करके देखते हैं और इसका प्रूफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सी हियर, हम ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू टू ए, वी मे राइट लाइक दिस। हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी अगेन हाफ। अब इस टू ए को अगर हमने क्या किया, इसमें हम इसके ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं और इसी के ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। डैश स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, इट इज बेटर टू राइट टी ना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ हियर ए इक्वल टू हाफ ए प्लस a पावर t प्लस हाफ a माइनस a पावर t, राइट? यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर आप ऐसे भी ध्यान से देखिए तब ये देखने में लग रहा है ना a इक्वल टू p प्लस q, वेयर दिस इज p एंड दिस वन इज q। सो आइए भी प्रूफ करते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है p, ये तो सिमेट्रिक है एंड दिस सेकेंड वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। सो दिस इज नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ p हो गया हमारा हाफ ए प्लस ए टी एंड क्यू इज हाफ ए माइनस ए टू पावर टी, राइट? सो ना हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया है, यानी इस पूरे का ट्रांसपोज लिया। लेकिन वन बाई टू का तो ट्रांसपोज मीनिंगफुल नहीं है ना, राइट? सो हम ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ अगेन बाय वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इट कैन बी रिटन एज ए टू पावर टी ए टी टी ना, ट्रांसपोज ट्रांसपोज। और आपको पता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो टी के इक्वल है। वट प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पर क्या क्या रूल्स को अप्लाई किया है, हमने एक थ्योरम की हेल्प ली है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सेकेंड हम लोग हेल्प ले रहे हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए। सो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज टू थ्योरम्स, हम इन दो थ्योरम रिजल्ट्स की हेल्प ले रहे हैं। सो नाउ हियर इज द रिजल्ट ना, अभी देखिए किसके इक्वल है, क्योंकि जो सम है वो कमोटेटिव होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो विच इज नथिंग बट पी, सो दैट मीन पी डैश इज पी, मीन्स पी इज सिमेट्रिक, ओके? इसका मतलब पी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए क्यू पे आते हैं, यानी हम क्यू के भी ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं। सो वन बाई टू को तो ट्रांसपोज नहीं लेना होगा, सो हमें क्या करना है, ए माइनस ए पावर टी का ट्रांसपोज लेना है और इट इज वन बाई टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अगेन हम सेम थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, ओके? सो इट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस को कॉमन करेंगे, सो हाफ वी मे राइट like this, which is minus q, okay? So now q का transpose जो है वो minus q के equal है, so it means q is skew symmetric, meaning a को हमने लिखा p plus q के form में, a can be written as p plus q means a is nothing but half a plus a transpose plus half a माइनस ए ट्रांसपोज, राइट? सो ए हमारा इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसमें से ये क्या हुआ, दिस वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हेंस द रिजल्ट, ये रहा एक छोटा सा रिजल्ट। इन माय नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम में जिस भी तरह का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन दिस वन, सो वी शैल डिस्कस दैट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। So thank you very much for watching this video.